हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। अनुपमा के आशीर्वाद के एपिसोड की कहानी में दिखाया जाएगा कि डिंपल शास को ब्लेम करती है। वो कहती है कि आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं कि जैसे आप लोगों में से कभी किसी ने गलती की नहीं। तभी बा यहाँ पर कहती है कि देख रहे हो डिंपल की ज़ुबान कितनी चल रही है। डिंपल कहती है कि हाँ, अब मैं जो कहने वाली हूँ वो डेफिनेटली आपको हर्ट करेगा, लेकिन वो सच होगा। वो कहती है कि मैंने अनुपमा को फोर्स नहीं किया और लेकिन वो अपने आप से चली गई। डिंपल कहती है शाह से कि प्रॉब्लम क्या है अगर वो यहाँ नहीं रुक रही हैं और उन्होंने कुछ नहीं लिया तो। तभी वो एक्यूज़ करती है शाह को और कहती है कि वैसे भी अनुज यहाँ पर सेपरेट हुए हैं अनुपमा की वजह से। लीला कहती है, उसका आर्ग्यू होता है डिंपल के साथ। पाखी डिंपल के खिलाफ बोलती है, काव्या भी इंटरप्ट करती है। पाखी काव्या से कहती है चुप रहो, इंटरप्ट करना पहले की तरह। काव्या डिंपल की साइड लेती है। लीला काव्या से कहती है कि तुम सिर्फ अनुरुद्ध और अपनी कॉफ़ी पर फोकस करो। काव्या कहती है कि शास तो हर किसी को अपने घर के लाइमलाइट में ले आते हैं फाइट के दौरान, और वो कहती है अधिक से कि थोड़ा सा वेट करो। लीला यहाँ पर पूछती है काव्या से कि तुम चुप होगी या नहीं। काव्या कहती है कि मैं तो खड़ी ही नहीं हो सकती हूँ किसी के सपोर्ट में, क्योंकि मैं तो डॉटर इन लॉ हूँ ना, और उनको तो बात करने का कोई हक नहीं है। वो कहती है कि मैं अनुपमा की और किंजल की तरह नहीं हूँ। डिंपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिजिड होती है समर से शादी करने के लिए। वनराज इंटरप्ट करता है, वो कहता है कि बस मैं डिंपल तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, ना तुम्हारी और समर की शादी के, लेकिन मैं तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। लीला भी उनका साथ छोड़ देती है। डिंपल कहती है कि ठीक है, अगर कोई भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो अनुज लेंगे। यहाँ पर वनराज कहते हैं कि अनुज भी अधिक और पाकि की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट भुगत चुके हैं। डिंपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक खड़ी हो जाती है। लीला कहती है अनुपमा लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिंपल कहती है अनुपमा तो फेल्ड हो गई हैं अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और शादी को निभाने में, वो दूसरों की क्या लेंगे। अनुपमा यहाँ कांता के साथ सेलिब्रेट करती है। कांता इग्नोर करती है लीला की कॉल और वो अनुपमा को परेशान होने से बचाती है। वनराज सोचता है कि कोई भी इस घर में सुनने को तैयार नहीं है। वो डिसाइड करता है अनुपमा के ऊपर फोकस करने से इससे बेहतर है कि वो कहीं और दिमाग लगाए। पाखी डिंपल से कहती है कि तुम मेरी माँ की इंसल्ट करना बंद करो। डिंपल कहती है क्यों, मैंने गलत क्या कहा। वो रिपीट करती है कि अनुपमा ने तो अपनी शादी नहीं बचा पाई तो वो औरों की क्या बचाएंगी और वो समर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। पाखी आर्ग्यू करती है डिंपल के साथ। पारितोष कहता है कि समर तो चुप क्यों है, तुझे दिख नहीं रहा कि वो हमारी मम्मी की इंसल्ट कर रही है संपर। लेकिन समर इस बार फिर से डिंपल की साइड लेता है। पाखी डिंपल के मुंह पर पानी फेंकती है। डिंपल समर आर्ग्यू करते हैं पाखी के साथ। लीला तभी यहाँ पर अनुपमा को कॉल करती है। कांता हेजिटेट करती है मोबाइल अनुपमा को देने में, लेकिन अनुपमा लीला का कॉल उठाती है। लीला अनुपमा से कहती है समर और डिंपल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, क्या तू उनकी जिम्मेदारी लेगी। अनुपमा बहुत सोच समझ कर उनकी जिम्मेदारी लेने से मना कर देती है और हंसमुख पाखी अनुपमा के इस डिसीजन से खुश हो जाते हैं। हंसमुख कहते हैं कि अब समर तुम डिंपल के साथ शादी कर रहे हो बिना किसी के सपोर्ट के। कांता बहुत प्राउड फील करती है अनुपमा के लिए जो उसने लीला को ना कहा। बरखा अनुपमा का स्टफ ले आती है, उसके सारे सूटकेस, और अनुपमा काफ़ी ज़्यादा शॉक में खड़ी रह जाती है। बरखा कहती है अनुपमा से अनुज ने कहा है कि तुम्हारा सारा सामान मैं वापस लौटा दूँ। काव्या कहती है कि चलो अच्छा हुआ अनुपमा ने मना कर दिया वापस आने से और तब उसने अपनी गलतियों से सीखने का सबक लिया। लीला काव्या के साथ आर्ग्यू करती है और वनराज फिर से इरिटेटेड फील करता है। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।